हेलो स्टूडेंट्स, रुपीज ज्वेड क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं बताने वाला हूँ CITS 2020 के मॉप अप राउंड के बारे में। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से हमें मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना है। जिन छात्र छात्राओं को एडमिशन नहीं मिल पाया है उनके लिए मॉप अप राउंड होगा और मॉप अप राउंड कम स्पॉट एडमिशन बोला जा रहा है इसको। तो देखते हैं किस प्रकार से एडमिशन होगा। वीडियो के साथ बने रहिए, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि पूरी अपडेट्स रुपीज और क्लासेस में आप लोगों को अवेलेबल रहेगी। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर वन, ऑल वैकेंट सीट विल बी अवेलेबल फॉर मॉप अप राउंड इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि हमें क्या होगा कि वहाँ पर ऑल वैकेंट सीट यानी सभी वैकेंट सीट होंगी वो दिखाई देंगी, अवेलेबल रहेंगी मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु क्लियर द AICTE 2020 कट ऑफ, यानी जिन्होंने अपना कट ऑफ क्लियर किया था, जैसे 33 था जनरल के लिए और 22 था ऐसे 22 था फॉर SC ST के लिए, 29 था हमारे OBC के लिए। तो इस प्रकार से जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया था वो मॉप अप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड सो फॉर, यदि अभी जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था CITS 2020 काउंसलिंग कैन आल्सो पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट पार्टिसिपेट करने के पहले उनको काउंसलिंग फीस जमा करनी पड़ेगी। जिन्होंने अभी तक कोई भी काउंसलिंग नहीं कराई है, उनको लगता है कि सीट खाली है मुझे मिल सकता है, तो काउंसलिंग करवा लें, रजिस्टर करवा लें, यानी कि काउंसलिंग फीस पे कर दें। उसके बाद लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव पेड देयर काउंसलिंग फीस, जिन्होंने अपनी काउंसलिंग फीस पे कर दी है पहले ही और उनको अभी तक उन्होंने अभी तक कोई भी प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया है तीनों राउंड में, तो वो भी बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपीयर हो सकते हैं मॉप अप राउंड के लिए जिन्होंने अभी तक किसी भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट उन्होंने मतलब कि कोई भी यदि पार्टिसिपेट किया था और उनको प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया है वो लोग भी अपीयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ऑलरेडी प्रोविजनल एडमिटेड, यानी कि जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है कैन नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 9 तारीख को क्या क्या होने वाला है, पूरा देखिए बताएंगे। देखिए कहीं जाना नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, हमें पता आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं फिर भी कहीं ना कहीं गलतियाँ कर देते हैं। मैंने बहुत दिनों पहले ही एडमिशन के समय ही मैंने बता दिया था बोनाफाइड आप लोगों को बनवाना है, पर कई सारे बच्चे अभी भी वेट कर रहे थे, सर बोनाफाइड नहीं बनवाया उन्होंने हलफनामा के जरिए उन्होंने अपना काम करवा लिया, बट आज उनको जब बोनाफाइड की जरूरत पड़ रही है तो आज परेशान हो रहे हैं। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान सुना करिए, मैं आप लोगों के हित के लिए रुपीज और क्लासेस आप लोगों के हित के लिए काम करता है। चलिए 9 तारीख को देखें क्या क्या होने वाला है। 9 जनवरी को क्या क्या होने वाला है, चेक आउट द वैकेंसीज टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट इन वेरियस NSTI एंड ITOTs। आप लोग चेक कर लीजिएगा कहाँ पर सीट खाली है कहाँ सीट खाली नहीं, क्योंकि 9 तारीख को दिखाने लगे कहाँ पर सीट खाली कहाँ नहीं खाली है। अभी हम वो भी हम लिस्ट आपको दिखा देंगे कहाँ पर सीट खाली कहाँ सीट नहीं खाली है, उसके भी हम वीडियो बना के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्या है, लॉगिंग विद योर क्रेडेंशियल, यानी कि आप अपनी ID को पहले क्या करेंगे, लॉगिंग करेंगे, चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी है आपको मिलने की कोई कॉलेज में कोई सीट की, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, चॉइस को फिल कर देंगे। क्या लिखा पॉइंट लिखा हुआ है, सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस, आप चॉइस करेंगे, ओनली वन चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इज अलाउड। बहुत ही बड़ी बात है कि सिर्फ एक ही कॉलेज आप लोगों को चॉइस करने को मिलेगा। पे योर काउंसलिंग फी इफ नॉट पेड अर्लियर, आप लोग पे करेंगे यदि आप लोगों ने पहले पे नहीं किया है। लॉक योर सीट, लॉक कर दीजिए, सीट गेट ऑटोमेटिकली लॉक्ड 5:30 बजे लॉक हो जाएगी, जिस वजह से पहले आपको पता काउंसलिंग होती थी 5:30 बजे लॉक हो जाएगी। रैंक अलॉटेड एज पर द AICTE मास स्कोर मेरिट, आपको रैंक भी अलॉट कर दीजिए कि आपकी ये रैंक आ रही है। सीट अलॉटेड एज पर द रैंक एंड चॉइस, और सीट भी अलॉट हो जाएगी आपके रैंक और चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी 9 तारीख को क्या क्या काम करना है मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों लोगों को, ठीक है, हो सकता है किसी का भला हो जाए। आप लोग चॉइस भरिएगा और एक ही चॉइस भर सकते हैं और 5:30 बजे की सीट लॉक हो जाएगी और आपकी रैंक भी वहाँ पर दिखा दी जाएगी और सीट लॉक कर दी जाएगी। 10 तारीख को क्या होगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, कैंडिडेट whose name appear in the merit list may go to the nearest NSTI and complete provisional admission, यानी कि जिन बच्चों के नाम आ जाएंगे वो बच्चे लोग provisional admission ले लेंगे, ठीक है, लेने चले जाएंगे उसी दिन ही। कब, 10 तारीख को ही अलॉटमेंट ले लीजिएगा, ठीक है। अब 11 को देखिए क्या होगा, स्पॉट एडमिशन फॉर ऑल वैकेंट सीट बियॉन्ड मॉपअप,
वैकेंट सीट विल बी डिस्प्ले इन पोर्टल, यानी कि 11 तारीख को सीट कितनी खाली है वो भी दिखा दिया जाएगा। एनी एलिजिबल कैंडिडेट कैन गो टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट एंड गेट हिज एडमिशन फॉर द अवेलेबल सीट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यानी कि 11 तारीख को यदि कोई सीट कहीं पर खाली है तो जो पहले पहुंचेगा वो पहले पा जाएगा। बहुत ही बड़ी बात है कि जो पहले पहुंचेगा वो सीट पा जाएगा 11 तारीख को। सुन लीजिए, 11 तारीख को जो पहले पहुंचेगा, कब? जब आप देख लीजिए कहाँ पर सीटें कितनी खाली हैं। ये सीटें खाली हैं और 11 तारीख की मॉर्निंग में पता चल जाएगा आप लोगों को कितनी सीटें खाली हैं, तो वहां पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट द एडमिशन बाय पेइंग रिक्वायर्ड एडमिशन फीस एट द कंसर्न इंस्टीट्यूट। यदि किसी ने फीस को पेमेंट नहीं किया है वो आप रुपए से वहां पर फीस पे करिए और बाकी आप अपना एडमिशन ले लीजिए। तो यानी कि 9, 10 और 11 को घमासान होने वाला है, 3 दिन लगातार आपके एडमिशन चलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग पार्टिसिपेट करें और यहाँ जो भी सीट खाली जा रही है फिल हो जाए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना कतई मत भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। रुपीज वर्ड क्लासेस आपको रियल और फैक्ट न्यूज प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले आप लोगों को सही न्यूज प्रोवाइड करने वाला चैनल आपका बन गया है। मुझे पता आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। यदि सपोर्ट नहीं करते हैं तो सपोर्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि ये चैनल आपको आगे तक साथ देगा। चलिए, कोई दिक्कत होती है कॉल मैसेज या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।